गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। सो वी वर एट एक्सरसाइज नंबर 11.3, इलिप्टिकल एक्सरसाइज, एलिप्स की एक्सरसाइज। उसके अपन ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9 तो कल कवर कर लिए थे। दैट मीन्स इक्वेशन गिवन हो तो तरह तरह की नाना प्रकार की बातें निकालना, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टिकल वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, और भी अलग अलग बातें अपन ने निकाली, राइट। अब क्या करना है, अब अलग अलग बातों से इक्वेशन बनानी है, अलग अलग बातों से इक्वेशन बनानी है। 10 to 20 में क्या इंस्ट्रक्शन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 10 to 20 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन सिचुएशन। इन सिचुएशन को सेटिस्फाई करने वाली जो इलिप्सिस होंगी उन इलिप्सिस की इक्वेशन बनानी है। चार्ज नहीं हुआ क्या, चार्ज नहीं हुआ, वापस दिया हो जाए। गुड़िया को दिया, पहले इसको चार्ज लगा। चलो, सो सबसे पहले तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, वर्टिसेस हैं प्लस और माइनस 5, 0। तो आपको क्या क्या पहचानना होगा इलिप्स बनाने के लिए, इलिप्स के टाइप पहचानने के लिए क्या क्या पहचानना होगा, आपको देखना होगा कि वर्टिसेस और फोकाई ही मेन चीज है, क्योंकि वर्टिसेस और फोकाई जिस एक्सिस पे लाए करेंगी वही तो डिसाइड करेगा कैसा है ना। तो वर्टिसेस प्लस और माइनस 5, 0 दैट मींस एक्स एक्सिस, और फोकाई भी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे लाया कर रही है, दैट मींस द एलिप्स इज एन हॉरिजॉन्टल एलिप्स। पहला क्वेश्चन है तो उसमें मैं फिगर बना के कर देता हूँ, बाकी फिर अपन इन क्वेश्चंस को चाहें तो विदाउट फिगर भी बना कर सकते हैं सॉल्व, फिगर की एज सच कोई नीड यहाँ पे नहीं, ओके। बट क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, आप समझ पा रहे होंगे लाइक दिस, ठीक है ना। चलो, तो वर्टिसेस हैं प्लस माइनस 5, यानी प्लस 5, 0 एंड माइनस 5, 0। तो ये तो होगा माइनस 5, 0, कहने की जरूरत ही नहीं है, V1, और ये हो जाएगा V2। बोलो V2 क्या हो जाएगा, प्लस 5, 0, ठीक है। और क्या गिवन है, फोकाई, फोकाई भी एक्स एक्सिस पे लाया कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली वर्टिसेस एंड फोकाई ए दोनों एक ही एक्सिस पे लाया करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता दोनों अलग अलग एक्सिस पे लाया करें, जहां पे वर्टिसेस वहीं पे फोकाई, कैसे फोकाई क्या होता है, फोकाई क्या होता है, आप फोकाई ये समझ रहे हो, नहीं, फोकाई होता है मतलब वर्टिसेस के बीच में, ठीक है, इक्वल होता है, इक्वल तो नहीं कहा मैंने, आप ये कह, ये और ये बराबर होंगे, ऐसा हमने कभी भी डिस्कस नहीं किया कि दोनों बराबर होंगे। आप पैराबोला की प्रॉपर्टी लगा रहे हो, एलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ईच पॉइंट लाइंग ऑन दिस एलिप्स से दोनों फोकस का सम कांस्टेंट है, ऐसे 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 ऐसे, वो पैराबोला की प्रॉपर्टी थी जो आप लगा रहे थे, है ना। तो ये दोनों बराबर होंगे ऐसा हमने कभी भी नहीं कहा, ये सेंटर है तो सेंटर से फोकस और फोकस से वर्टिसेस बराबर होंगे ऐसा नहीं कहा हमने कभी भी, तो ये बराबर नहीं होंगे। अब ये वर्टिकल क्यों लगा फिर भी, चलो वो भी एक अलग मैटर है, वर्टिकल क्यों लगा आपको ये बताओ, अगर मान लो बराबर हो भी जाए तो भी वर्टिकल कैसे होगा। चलो मान लिया बराबर है, सी से लेके F1 एंड F1 से लेके, हाँ बेटा क्लोज होगा तो भी वर्टिकल क्यों होगा, वर्टिकल एलिप्स की वर्टिस हॉरिजॉन्टल इसलिए होगा क्योंकि इसके वर्टिसेस और फोकाई एक्स एक्सिस पे लाए कर रहे हैं, मेजर एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस है, वर्टिसेस जहां पे लाए करें वो उसकी मेजर एक्सिस है, और मेजर एक्सिस ही डिसाइड करेगी कि हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल होगा, तो वर्टिसेस कहाँ लाए कर रहे हैं, एक्स एक्सिस, तो मेजर एक्सिस कौन सी हो गई, और एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है तो फिर हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, ठीक है। तो F1 क्या हो गया, 4, -4, 0, और F2 क्या हो गया, 4, +4, 0, और ये जो अपन क्यू और आर मार्क करते थे वो क्या हो जाएंगे, क्यू और आर, उसके लिए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 25 -16, 9, तो यानी 0.3 and 0.3 and 0.-3। तो वैसे तो देखो इक्वेशन बन चुकी है, x² / 25 + y² / 9 = 1। तो क्वेश्चन सॉल्व तो ये
जस्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड यू कैन राइट इट्स इक्वेशन राइट स्ट्रेट अवे, कुछ करना ही नहीं है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वन। लेकिन क्या है प्रेजेंटेशन पार्ट, मेन बात है ये सारी चीजें अपन ने कैसे कैसे निकाली वो चीज प्रेजेंट करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हो सकता है कि क्लास 11th लेवल पे आपको स्कूल वाले बिना प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स दे दें, बट फिर वही प्रॉब्लम आएगी जो अभी 12th वालों को आएगी, उनको प्रेजेंटेशन करना ही नहीं आ रहा क्योंकि 11th सारी डायरेक्ट निकाल दी। तो 11th में ही थोड़ा थोड़ा प्रेजेंटेशन करना सीखे, अल्टीमेटली आप ही को सीखना है। मैं तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन करना सिखा सकता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन तो डिफरेंट आएगा ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं मन बोर्ड में, ठीक है। चलिए तो अब वर्टिसेस एंड फोकाई से अपन कैसे इलिप्स की चीजें पहचानेंगे वो है इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा। तो हेयर द गिवन पॉइंट्स, हेयर द गिवन पॉइंट्स ऑफ द इलिप्स आर, इलिप्स आर ये गिवन पॉइंट्स हैं, दीज आर द गिवन पॉइंट्स, वर्टिसेस दिस, फोकाई दिस, एज इट इज लिख देंगे अपन क्वेश्चन के गिवन पॉइंट्स, ठीक है। पहले क्या पहचानेंगे, वर्टिसेस एंड फोकाई एक्स एक्सिस पर हैं तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा सबसे पहली लाइन, यही हम पहचानेंगे और इसी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जब तक यही पता नहीं चलेगा कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल हम ड्रॉ क्या करेंगे, ठीक है ना। तो सिंस द वर्टिसेस, सिंस द वर्टिसेस एंड फोकाई लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड फोकाई लाई ऑन ऑन वॉट एक्स एक्सिस, ठीक है ना। सो सो द मेजर एक्सिस ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज एक्स एक्सिस, इज एक्स एक्सिस एंड द गिवन इलिप्स इज ए हॉरिजॉन्टल इलिप्स, द गिवन इलिप्स इज ए हॉरिजॉन्टल इलिप्स हुज इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, जिसकी इक्वेशन किस टाइप की होती है, हुज इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, बताओ हॉरिजॉन्टल इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, वेयर ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ठीक है डन। अब इस इक्वेशन में ए और बी तो चाहिए, इक्वेशन बन जाएगी, ए तो मिलेगा वर्टिसेस से, बी मिलेगा वर्टिसेस एंड फोकाई के रिलेशन से, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो लिख देते हैं। सो नाउ वर्टिसेस आर, पहले फिर से लिखता हूँ मैं वर्टिसेस क्या है हमारी, वर्टिसेस होती क्या है, जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है उसकी वर्टिसेस एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में होती क्या है बताओ, प्लस और माइनस ए कॉमा जीरो होती है, और गिवन क्या है बोलो, प्लस और माइनस 5,0, तो इम्प्लाइज ए एज ए लेंथ या ए एज ए डिस्टेंस क्या निकल गई, 5 यूनिट्स, इम्प्लाइज ए इक्वल टू 5 यूनिट्स, डन। वर्टिसेस ये आ गई एंड फोकाई, फोकाई से सी की वैल्यू आ जाएगी, सी एज ए लेंथ, ओके एंड फोकाई आर, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फोकाई क्या होते हैं, प्लस और माइनस सी कॉमा जीरो ये होते हैं बोलो, और गिवन क्या है, प्लस और माइनस 4,0, तो इम्प्लाइज वहां से सी की वैल्यू क्या आ गई एज ए लेंथ, वो 4 यूनिट्स आ गई। अब नाउ वी नो दैट रिलेशन लिखेंगे, तो ये पहला इक्वेशन है जो पूरी प्रॉपर वे से एंड आखिरी क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद सब डायरेक्ट करेंगे अपन, है ना। इतनी देर में मैं अगले चार का आंसर्स बता सकता हूँ, मतलब जितनी देर में अपन ने प्रेजेंटेशन किया, ओके ना। तो ए सी आ गया, नाउ वी नो दैट, बट आपको अभी और बाद में एग्जाम में तो करना ही है, बट अभी आप जब ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं कल से 2-3 दिन की छुट्टियां दे रहा हूँ आपको टिल दशहरा, तो आपको बैठ के हर एक क्वेश्चन के प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ स्टेप्स लिखने हैं, ओके ना। आज स्कूल जाना है, आज स्कूल नहीं जाना तो वी विल कंप्लीट अप द एक्सरसाइज, कैसे जल्दी जल्दी में ही करें, आपको जाना है ठीक लेट जाना है, जितना भी रुक सको रुकना, और फिर 2-3 दिन के एक्सरसाइज में सबका प्रेजेंटेशन अच्छे से करना, ठीक है ना। नाउ वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेट्स पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सो ए, ए की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर, बी की तो निकालनी है, और सी यानी कि 4 का स्क्वायर, इम्प्लाइज 25 - 16 इक्वल टू बी स्क्वायर, और वी कैन से बी स्क्वायर इक्वल टू 9,
स्क्वायर इक्वल टू 9। अब देखो वैसे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 से काम हो गया, क्योंकि इक्वेशन में आपको बी स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, बी की कहाँ रखनी है ना। बट ठीक है निकाल लेते हैं उससे भी बी की वैल्यू, कुछ चीजें और क्लियर हो जाती है। और वी कैन से बी इक्वल टू प्लस और माइनस डन। चलो तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म वी विल फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स इट। ओके नाउ टाइम हो गया। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए इक्वल टू क्या था प्लस और माइनस 5, एंड बी क्या निकाला अभी अपन ने प्लस और माइनस 3 इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स। बुक निकालो, वी गेट सो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके तो जस्ट पुट द वैल्यूज, दैट इज एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस लो या माइनस लो, 5 का स्क्वायर तो 25 ही होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, बी भी प्लस लो या माइनस लो, 3 का स्क्वायर तो 9 ही होगा, इक्वल टू 1। मैच करो आंसर, ठीक है। तो जस्ट क्वेश्चन पढ़ते ही अपन ने 10 सेकंड में आंसर तो निकाल लिया था, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू प्रेजेंट दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 10th किया तो 11th में बस यही है कि ये वर्टिकल है। अच्छा 10th और 12th तो सेम है, प्लस और माइनस 6 प्लस और माइनस 4 ये बिल्कुल सेम है, ये वर्टिकल आ गया हमारा। तो देखते हैं अगर पिछला प्रेजेंटेशन बचा हुआ है या मेरे हिसाब से वो हट गया, डिलीट हो गया। तो चलो अब अपन नहीं करेंगे सारा प्रेजेंटेशन। इवन इन सारे क्वेश्चन में अगर वेटेज कम है तो यू आर नॉट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द फिगर, फिगर भी ड्रॉ करने की जरूरत है, केवल इन हिंट से ही अपन पता कर पा रहे हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11th। सो दीज आर द गिवन पॉइंट्स, राइट। इससे क्या पता चला कि वर्टिसेस एंड फोकाई लाई ऑन वाई एक्सिस, इससे पॉइंट से पता चला ना, किसने कहा कैसे पता चला। अब बेटा इतना भी नहीं आता तो 9th क्लास से पूरा रिवाइज कर कि 0, समथिंग टाइप का पॉइंट वाई एक्सिस पे लाया करता है ना, ये तो सीखना ही पड़ेगा। इम्प्लाइज वर्टिसेस लाई ऑन द वर्टिसेस फोकल लाई ऑन द वाई एक्सिस, तो यानी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो गई, मेजर एक्सिस इज वॉट वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो गई तो इलिप्सिस वर्टिकल, द इलिप्सिस है वर्टिकल इलिप्स। सबसे पहले तो आपको टाइप ऑफ इलिप्स पता करना होगा जब आपको इक्वेशन बनानी है। सिमिलरली पैराबोला में भी जैसे था कि जब जैसी चीजें गिवन होती थी तो आपको टाइप ऑफ पैराबोला बताना, मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ता था, जिसकी इक्वेशन वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, बताओ ऑफ द टाइप। अब जो है पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपनी पोजिशन चेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, क्योंकि इलिप्स की इक्वेशन में हमेशा ए बी से बड़ा होता है, तो वाई एक्सिस पे बड़ा है वो, है ना, वाई एक्सिस पे विस्तार ज्यादा है तो उसके नीचे आएगा स्क्वायर। ओके नाउ व्हाट, क्या क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। वर्टिसेस अगर ये हैं तो ए तो क्लियर है, यहाँ से तो क्लियर है कि ए क्या है, बताओ 13, फाइन। फोकाई अगर ये है तो यहाँ से सी क्लियर है, सी क्या है 5। सो पुट द वैल्यूज, क्या एक रिलेशन है हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, करो पुट। तो 13 का स्क्वायर इज 169, बी स्क्वायर पता करना है और ये सी स्क्वायर यानी कि 25 होगा 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 169 माइनस 25, दैट गिव्स मी 144। बी की वैल्यू की वैसे जरूरत नहीं है, बट इट विल बी प्लस और माइनस 12। डन, चलो पुट द वैल्यूज ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एंड फाइंड द आंसर। ये ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दूं तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर पहले आएगा, यानी 144 पहले आएगा, और वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाद में आएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 बाद में आएगा, इक्वल टू 1। मैच करो, हो गया मैच।
नेक्स्ट। ट्वेल्थ वाला देखो, अगेन हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, वर्टिसेस एंड फोकल आई ऑन एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर इधर जाएगा, ठीक है। तो लाई ऑन एक्स एक्सिस, दिस विल बी एक्स एक्सिस, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल एलिप्स, हिज इक्वेशन इज ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके, तो वर्टिसेस गिवन है, तो यहाँ से ए की वैल्यू 6, फोकाई गिवन है, तो यहाँ से सी की वैल्यू 4। पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, सो आ जाओ, ए स्क्वायर यानी कि 36, ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर इज वी नीड टू फाइंड, सी स्क्वायर यानी कि 16, बी स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 20। तो बी स्क्वायर डाल दो सीधे, बी की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो पूछे व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द माइनर एक्सिस, तो बी की वैल्यू निकालो, व्हाट आर द एंड पॉइंट्स, ऐसा कुछ पूछ ले तो बी निकाल लेना, इक्वेशन ही बनानी है तो क्यों निकालना। ओके, तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लगाना है, ए यानी कि 6, 6 का स्क्वायर 36, और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर लगाना है जो साफ साफ गिवन है 20, मैच करवाना। एक्स स्क्वायर बाय 36, वाई स्क्वायर बाय 20 इक्वल टू, ठीक है, चले आगे। चलो, तो तीन क्वेश्चंस तो सरल थे, वर्टिसेस एंड फोकाई पता चल जाए, है ना, वर्टिसेस एंड तीन, ये तीन क्वेश्चंस क्या बताते हैं, ये तीन क्वेश्चन ये बताते हैं कि अगर वर्टिसेस एंड फोकाई पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो एलिप्स की इक्वेशन बनाई जा सकती है। आप ये भी चेक करते जाओ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है एलिप्स की इक्वेशन बनाने के लिए, वर्टिसेस और फोकाई के कोऑर्डिनेट्स से तो बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, यानी ए और सी की वैल्यूज है ना। अब चलते हैं 13, अब थोड़ा 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 पैटर्न चेंज होता जाएगा। तो आओ 13 देखो, एंड ऑफ मेजर एक्सिस, तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस वर्टिसेस ही तो होते हैं, ये तो उससे भी सरल है। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या होते हैं बताओ, वर्टिसेस होते हैं, नहीं होते हैं, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होते हैं, बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई, बी की वैल्यू यहाँ से आ गई, ठीक है ना। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस जो होते हैं वो वर्टिसेस, वो मतलब क्या होते हैं, वो वर्टिसेस होते हैं। तो वर्टिसेस आर, यहाँ से क्या पता चला, वर्टिसेस आर प्लस और माइनस 3,0 होते हैं, और एंड्स ऑफ मेजर एक्स माइनर एक्सिस जो भी है। चलो, आप तो वर्टिसेस निकाल के सबसे पहले तो पता लगाओ कि एक्सिस कौन सी होगी। वर्टिसेस एक्स एक्सिस पे लाया कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो जाएगा, सारी बातें जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चंस में लिखी थी वही लिखनी है। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स अगर हो जाएगा तो उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, उस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, इज ऑफ द टाइप, बोलो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस प्लस वॉट वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर तो क्या होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स में, ए स्क्वायर क्या होता है, वैसे किसी भी एलिप्स में ए स्क्वायर क्या होता है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस ही होता है, तो यही तो ए की वैल्यू है। बताओ यहाँ से क्या है, ए की वैल्यू 3 और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस है यहाँ से बी की वैल्यू 2, ठीक है, पुट करो, एक्स स्क्वायर बाई ए की वैल्यू 3 है तो 9, वाई स्क्वायर बाई बी की वैल्यू 2 है तो 4 इक्वल टू 1, मैच करो आंसर, तो उससे भी सरल निकला। और नीचे वाले में उल्टा है, 14th में जस्ट इसका अपोजिट काम है, ठीक है। 14 वाले में जस्ट इसका अपोजिट काम है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस इस टाइप के हैं, है ना, तो वर्टिसेस किस टाइप के हो गए इसके, 0, 0, प्लस और माइनस √5, 0, प्लस और माइनस √5, तो वहां से ए तो आ गया आपका √5, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस से आपका बी भी आ गया, दैट इज फाइन, प्लस और माइनस 1,0 है तो यहाँ से आपका बी भी आ गया 1, ठीक है ना। लेकिन हॉरिजॉन्टल एलिप्स नहीं होगा आपकी बार, क्या हो जाएगा, ये वर्टिसेस जो है आपके वाई एक्सिस पर, पूरी लाइन से लिखनी पड़ेगी, वर्टिसेस लाइन ऑफ द वाई एक्सिस, देयरफॉर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, देयरफॉर द टाइप ऑफ एलिप्सिस वर्टिकल एलिप्स। ओके, वर्टिकल एलिप्स हुज इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, चेंजेस करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर
और वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर। तो बी अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, ए अगर रूट 5 है तो इसका स्क्वायर 5। चेक करो आंसर, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 1। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही छोड़ा जाता है। ऐसा नहीं कि 5 का एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर दो, कर दो तो आपकी मर्जी, बाकी इसी फॉर्म में छोड़ दोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे। चले 15th पे, चलो 15th एंड 16th का फिर टाइप सेम है। 13 14 का टाइप सेम था, 15 16 का अगेन टाइप सेम है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस गिवन है, फोकाई वगैरह सब गिवन है। तो मेजर एक्सिस की जो लंबाई होती है उसको अपन 2a बोलते हैं। ये सुनो, इम्प्लाइज 2a इक्वल टू 26। तो एक बार अगर 2a इक्वल टू 26 मिल गया तो a इक्वल टू 13, a तो मिला। चलो आगे चलते हैं। फोकाए, फोकाए से दो बातें पता चल रही है। एक बात तो ये पता चल रही है कि b की वैल्यू 5 है, नहीं c की वैल्यू 5 है, राइट। और दूसरा फोकाए एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो भी नोटिस करना है क्योंकि टाइप टाइप यही बताएगा, टाइप इस बार यही बताएगा कि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे है ना। सो यहाँ पे फोकाए लाई ऑन एक्स एक्सिस, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल इलिप्स। दो बातें पता चली, इसकी इक्वेशन इज ऑफ द टाइप हॉरिजॉन्टल इलिप्स, उस इक्वेशन किस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए की तो है बस बी की नहीं है, तो सी ए और सी की मदद से बी की निकालो, वी नो दैट करके। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रिलेशन मत भूल जाना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है इलिप्स के लिए ए बी सी का आपस में। सो 13 का स्क्वायर 169, बी पता करना है, सो यानी कि 5 का स्क्वायर 25, तो वही अभी अभी निकाला था हमने, बी स्क्वायर 144 निकला था, बी स्क्वायर की ही जरूरत है। सो द आंसर इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यानी 169। सेम टू सेम आंसर शायद अभी आया था पिछले किसी क्वेश्चन में ना। ठीक है, इससे सरल कोई काम नहीं लगेगा अगर आपने बिल्कुल नॉलेज अच्छे से ले ली। इस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए आपको, उसके बाद कैलकुलेशन तो इतनी सरल है कि जितना मैं काम जाम लिख रहा हूँ उतना भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप ऐसे देखोगे, अच्छा 26 13 एक्स स्क्वायर 13 का स्क्वायर ऐसे करके आंसर निकाल सकते हो, लिटरली निकाल सकते हो ना। तो एक तरीके से ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं छोटे मोटे। आओ 16th, अरे डिलीट क्यों कर दिया, उसी में चेंजेस करो। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 है आपकी बार, तो माइनर एक्सिस 16 है तो वहां से 2b की वैल्यू निकलेगी, ए की नहीं निकलेगी, किसकी निकलेगी, b की वैल्यू 16, 16 का आधा 8, राइट। 2b की वैल्यू 16, b की वैल्यू 8। और फोकाए आपकी बार c की वैल्यू 6, फोकाए के कोऑर्डिनेट से दो बातें पता चलेगी, एक तो c की वैल्यू एज अ लेंथ क्या है वो, और फिर टाइप ऑफ इलिप्स भी पता चलेगा, बिकॉज फोकाए लाई ऑन द वाई एक्सिस, मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस, सो द टाइप ऑफ इलिप्स इज वर्टिकल इलिप्स। हाँ एक बार इलिप्स एंड हाइपरबोला दोनों कवर हो जाते हैं ना, फिर कन्फ्यूजन उल्टा बढ़ जाता है, क्योंकि इलिप्स की और हाइपरबोला की इक्वेशन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस है ना, प्लस की जगह क्या है माइनस, तो फिर कन्फ्यूजन बढ़ जाता है उसमें, ए और बी कैसे चेंज होंगे, टाइप ऑफ हाइपरबोला कैसे पता करेंगे। तो अभी जब तक हाइपरबोला शुरू नहीं हुआ है, जानते नहीं है, तब तक इलिप्स बड़ा सरल है। हाइपरबोला शुरू होकर खत्म हो जाएगा ना, फिर ये दोनों टॉपिक का क्लैश रहेगा, मतलब कन्फ्यूजन सा रहेगा, तो थोड़ा सा क्लियर करके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो फिर वो कन्फ्यूजन दूर हो सकता है। आइए पुट द वैल्यूज, तो आपकी बार ए स्क्वायर निकालना है बेटा और बी स्क्वायर गिवन। ठीक है, सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा निकालना है वो, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, स्क्वायर 100 आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 100 प्लस, ये तो पिछला आंसर, ये तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है ना, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लगाना है। अच्छा चेंज नहीं किया अपन ने वर्टिकल एलिप्स से, तो यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे ए स्क्वायर, और इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर लिखना है पहले, तो बी का स्क्वायर यानी कि 64 यहाँ पे और 100 वहाँ पे इक्वल टू, मैच हो गया। हाँ चलो 17th पे आइए, 17th में क्या क्या गिवन है, फोकाए और ए, कोई बड़ी सरल सी बात है तो पहले क्वेश्चन की तरह ही आ गया। फोकाए अगर ये है तो एक तो यहाँ से सी की वैल्यू पता चल गई एज ए लेंथ 3, और दूसरा टाइप ऑफ इलिप्स भी पता चल गया क्योंकि फोका एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो टाइप ऑफ इलिप्स क्या हो गया हाँ हॉरिजॉन्टल, और ए की वैल्यू साफ साफ खुद ने क्लियर कट ही दे रखी है एज ए डेटा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। इक्वेशन लिख दो तो इसकी एक्स स्क्वायर
बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डन। और एक क्लियरली 4 गिवन है, तो रिलेशन यूज करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो टेल मी, ए की वैल्यू 4 गिवन है तो 16, ये गिवन है ना, और बी पता करना है, सी यानी कि 3 का स्क्वायर 9, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 7। पुट द वैल्यूज, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर यानी कि 16, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर यानी कि 7 इक्वल टू 1। मैच करो आंसर, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 इक्वल टू 1। डन। क्वेश्चन नंबर 18, जो इसमें मेन क्वेश्चन है वो 19 एंड 20 थे, बाकी 18 तक तो यही है। बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, वहां से ए इक्वल टू 5, पहली चीज ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ठीक है। आगे क्या, सेंटर एट द ओरिजिन आप क्या बता रहे हो, तो सब में ही था बताने की जरूरत है क्या, सेंटर एट द ओरिजिन वैसे तो बताने की जरूरत है अगर 11th से बाहर की बात करें, क्योंकि अगर सेंटर एट द ओरिजिन नहीं बताते हैं तो स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं बनता है, बट हम अंडरस्टूड करेंगे हमारे कोर्स में है ही, तो तेरा बताना ना बताना बेकार। फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है ना, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस से क्या पता चला कि इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हॉरिजॉन्टल इलिप्स पता चल गया यहाँ से ना। तो फोकाई और वर्टिसेस कहाँ लाया करेंगे, बस वो मेन है, तो दोनों निकाल लो, दोनों में से कोई एक चीज निकाल लो ठीक है। और यहाँ पे बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 5, ये एज ए लेंथ गिवन है, एज ए कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं ठीक है ना, तो यहाँ से नहीं पता चल रहा कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, बिल्कुल नहीं पता चल रहा ठीक है। क्लियर। इस कॉम्बिनेशन से हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है और इसी कॉम्बिनेशन से वर्टिकल भी बन सकता है, बन सकता है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, बस इधर फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज, तो एक्स स्क्वायर बाई ए यानी 25, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी कि 9, मैच करो ठीक है। सेंटर एट द ओरिजिन ना बनाए तो देखो, जैसे ये सेंटर है ना, फोकाई कहाँ पे लाया कर रहा है बताओ, फोकाई कहाँ पे लाया कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो मैं जरूर थोड़ा ना कि एलिप्स ऐसे ही बनाऊँ, ये तो स्टैंडर्ड बनाते ही अपन, फोकाई यहाँ लाया करवा देते हैं, कोई ऐसे भी तो बना सकता है, थोड़ा खिसका के बनाते हैं ऐसे, सेंटर यहाँ बना दें, फोकाई अभी भी एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है, चेक करो कर रहा है ना, इसलिए ये बताना जरूरी है कि सेंटर लाइज एट द ओरिजिन ठीक है। ना भी बताएगा तो हम मान लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, बाकी इस इंफॉर्मेशन के मायने ये है ठीक है ना, इसको इसको स्टैंडर्ड इलिप्स बनाने के लिए। चलो 19th एंड 20 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आइए। सेंटर एट 0 0 मेरे किसी काम का नहीं है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस ये काम की इंफॉर्मेशन है, ये काम की इंफॉर्मेशन है, और जो इलिप्स है वो 2 पॉइंट से पास करता है, ना तो वर्टिसेस गिवन, ना फोकाई गिवन, ना बी ना, ना यानी कि ए बी सी तीनों में से कुछ गिवन। पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तो ए, अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें ए बी सी में से 2 बातें गिवन होती थी, या तो ए और बी देके सी, ए और बी देके तो सी कहीं नहीं निकलवाया, खैर ए और सी देके बी निकलवाता था, या फिर बी और सी देके ए निकलवाता था, सी दे देता था तो ए और बी में से कोई एक पार्ट दे देता था, यहाँ पे ना तो सी दिया ना ए और बी में से एक पार्ट दिया, तो अब अपन कैसे इलिप्स की इक्वेशन बनाएंगे, हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म तो मैं बना सकता हूँ क्योंकि मेजर एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस गिवन, तो क्या करें, सबसे पहले तो हेयर इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, ये 2 बातें लिखो जो गिवन है, कि द सेंटर ऑफ द इलिप्स, द सेंटर ऑफ द इलिप्स का प्रेजेंटेशन भी देख लेना, और फिर अगला क्वेश्चन सेम है ना, इलिप्स लाइज एट द ओरिजिन, लाइज एट द ओरिजिन ओ 0,0, एंड साथ में एक बात और गिवन है, एंड द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज वाई एक्सिस, इज व्हाट वाई एक्सिस, तो यहां से वी कैन से दैट द इलिप्स इज एन वर्टिकल इलिप्स, सो द इलिप्स इज अ वर्टिकल इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स फिगर बनाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसा कोई नीड नहीं है इस क्वेश्चन में ना, वर्टिकल इलिप्स हुज इक्वेशन इज ऑफ द टाइप,
हूज इक्वेशन इज ऑफ द टाइप, बताओ व्हाट इज द टाइप, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक इलिप्स की इक्वेशन में ले देके जो भी है वो ए और बी तो है, बोलो ए और बी की वैल्यू तो पता करनी है। अब ए और बी की वैल्यू कैसे पता करें, 0, क्या 0, c टाइप के उसके क्या होंगे, फोका है तो ठीक है, उससे ए और बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है वाई एक्सिस पे तो 0, a टाइप के हैं, अगर एक्स एक्सिस पे होता तो 1, 0 टाइप के होते हैं, बट मुझे तो ए एज ए लेंथ एंड बी एज ए लेंथ चाहिए ना, ऐसे कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वहां से। यस अगर इलिप्स इन दो पॉइंट से पास करेगा तो इसको अपन स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन से इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी कर्व किसी लाइन से कोई पॉइंट पास करेगा तो उसकी इक्वेशन को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वहां से ए और बी में एक इक्वेशन निकलेगी, दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उसमें ए और बी की दूसरी इक्वेशन निकलेगी, टू वेरिएबल्स टू इक्वेशन, उनको सॉल्व करके ए और बी की आपस में वैल्यू निकलेगी, वापस इसमें पुटअप करेंगे तो इसकी इक्वेशन। समझ आया? सो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट ये इंपॉर्टेंट है ना। नाउ इट इज गिवन दैट, इट इज given that what it is given, the ellipse passes through two points, the ellipse passes through, दोनों को A और B mark कर देते हैं अपन, passes through the points, through the points A, बोलो कौन से दो points, 3, 2 और 1, 6, 3, 2 and B बोलो 1, 6, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। ओके एक लाइन लिख देना, सो इट मस्ट, सो दे मस्ट सेटिस्फाई, दो पॉइंट्स हैं, दे मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द गिवन इलिप्स, हेंस व्हाट आर वी डूइंग, वी आर पुटिंग देयर कोऑर्डिनेट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके हेंस पुटिंग एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, एक एक करके पुटअप करेंगे, पहले एक है 3, 2 एंड एक्स कॉमा वाई दूसरा 1, 6 है, इन द इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन, इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल ऑफ अ वर्टिकल एलिप्स। ठीक है वी गेट, चेक करो पुटअप करने के बाद क्या मिलेगा। तो पहले तो 3, 2 पुटअप कर दें, तो x की और y की जगह डालना है, b और a की जगह डाल देना ना, क्योंकि अपन पॉइंट पुटअप कर रहे हैं, तो x की जगह 3 का स्क्वायर यानी कि 9 बाय बी स्क्वायर, देन आगे बढ़ो y की जगह 2 यानी 4 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1 एंड एंड सेकेंड इक्वेशन बताओ, वो दोनों डालो 1 और 6, तो 1 का स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर, वाई की जगह डालो 6, तो 6 का स्क्वायर 36 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू विल टेल मी हाउ टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, मैंने आपको टू वेरिएबल टू इक्वेशन बना के दे दी है जो कि आप क्लास 10 से सॉल्व करते हुए आ रहे हो। इक्वल होगी मतलब इक्वेशन इक्वल कैसे होती है पहले बताओ, इक्वेशन इक्वल होने का मतलब क्या, मीनिंग क्या है कि इक्वेशन इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है, इक्वेशन के तो नेचर होता है यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इक्वेशन इक्वल है या नॉट इक्वल है इस टाइप की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं होती। इक्वल तो बेटा एक वैल्यू होती है, इक्वेशन इज नॉट अ वैल्यू। ये दोनों इक्वेशन है ए और बी की फॉर्म में, राइट, तो टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हालांकि टू इक्वेशन टू वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, वो इस टाइप में अपन ने 10th पे नहीं सॉल्व किया होगा, एग्जैक्टली ये चीज नहीं सॉल्व करी होगी, बट इसके आसपास की चीजें तो सॉल्व करी होगी। चलो एक बार के लिए भूल जाओ कि चलो स्क्वायर नहीं है, अब बताओ अब कुछ याद आ रहा है कैसे सॉल्व करी थी, क्या लेके
एलसीएम लेके, तो एक शीट निकालो रफ और इसको सॉल्व करो। हाँ विदाउट स्क्वायर करो उसको निकालो, एक बार विदाउट स्क्वायर ट्राई करो, हो जाती है तो विद स्क्वायर ट्राई करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ों से आप टकराएंगे जो आपने 10th क्लास में किया है। कुछ चीज़ें तो क्लास में डिस्कस हो जाती हैं, कुछ जो रह जाती हैं उससे आप एग्जाम में जाकर टकराओगे। अल्टीमेटली यू आर द वन हु विल फेस दैट चैलेंज, आपको ही निपटना पड़ेगा उस चैलेंज। चलो देखो, नहीं हुआ ना फाइनली, हुआ नहीं हो रहा, चलो देखो फिर देखो, डोंट वेस्ट टाइम। आई वॉज जस्ट चेकिंग कि आपको याद है या नहीं है क्लास 10th का। ओके तो स्क्वायर तो छोड़ो, विदाउट स्क्वायर भी सॉल्व नहीं हुआ, स्क्वायर तो छोड़ो विदाउट स्क्वायर भी सॉल्व नहीं हुआ। पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वेरिएबल्स आर सिटिंग इन द डिनोमिनेटर्स, इसलिए आपसे सॉल्व नहीं हुआ। एंड व्हेन आपने लास्ट ईयर ही तो दिया 10th, तो लास्ट ईयर कट गया ही थी क्या लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की आखिरी एक्सरसाइज, छठी एक्सरसाइज नहीं किया था अपन ने, वो वाले क्वेश्चंस अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस। ओके देखो अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो चीज आपकी कट गई वो चीज नेक्स्ट ईयर जरूर आती है। कहाँ तक बच के जाएगा? तो देखो क्या करते हैं, जब वेरिएबल्स डिनोमिनेटर्स में आ जाएं तो कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, मैं एक बार दोनों इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे नोट कर रहा हूँ। बताओ मुझे, व्हाट आर द टू इक्वेशंस? 9 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, -20 नाइन डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, -4 एक मिनट, 9 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर -1 इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये देखने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं पेन उठाऊंगा और मुझसे सॉल्व हो जाएगी, बट जब करने लगेंगे तो पता चलेगा हुई नहीं, है ना? ऐसा ही कुछ हुआ। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगली बताओ। 1 1 बाय b²36 +36 बाय a² इक्वल टू 1। दिस इज माई सेकेंड। चलो देखो इधर, आप क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर पार्ट जो है वो, तो सॉरी वेरिएबल पार्ट जो है वो डिनोमिनेटर में, अगर ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऊपर होता फिर चाहे से 9 और 4 नीचे होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब b² बाय 9 होता, ये b² बाय 4 होता, ये b² बाय 1 होता और ये a² बाय 36 होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट द प्रॉब्लम इज कि वेरिएबल पार्ट्स आर इन द डिनोमिनेटर, और क्वाड्रेटिक तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात होगी। अभी आपने लीनियर भी ट्राई किया इसको, b² और a² को b और a लेके देखा तो भी आपसे नहीं हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक तीसरा और चौथा वेरिएबल मानते हैं, जो इनके वेरिएबल्स जो गिवन वेरिएबल्स हैं उनके उनकी वैल्यू उनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू के बराबर हो। कैसे? इधर देखो, अगर मैं दोनों इक्वेशंस के लिए इधर देखो, अच्छा 1 बाय b² को कोई तीसरा वेरिएबल u एंड 1 बाय a² को कोई चौथा वेरिएबल v कंसीडर कर लूं, तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वेशन 1 एंड 2 जो है रीडिफाइन कैसे हो जाएंगे देखना। इक्वेशन 1 तो क्या बनेगी एंड इक्वेशन 2 क्या बनेगी? देखो 9 बाय b² में 1 बाय b² को u रख दें तो जो वेरिएबल नीचे था आज की तारीख में ऊपर आ गया 9u। यस और नो? बोलो। 9 बाय b² को मैं 9 × 1 बाय b² लिख सकता हूँ, और 1 बाय b² को क्या रख दिया आपने? u। तो इसको हटा के इसकी जगह क्या लिखूंगा? u, और वो u ऊपर लिखूंगा, नीचे थोड़ा लिखूंगा। तो जो वेरिएबल नीचे तंग कर रहा था अब वो ऊपर आ गया, आगे का काम तो फिर करना जानते हो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल। प्लस 1 बाय a² को आपने v रख दिया तो इट इज लाइक 4v, दैट इज इक्वल टू 1। ओके एंड इधर आओ, इक्वेशन 2 में भी वही 1 बाय b² सीधे सीधे रख दो यहाँ तो u, प्लस 36 1 बाय a² भी, यानी 36v इक्वल टू 1। बताओ कोई दिक्कत? क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो? कर दोगे? बोलो, सब्स्टिट्यूशन से ही कर दो। चलो यहाँ से u की वैल्यू बताओ, 1 माइनस 36v, लेट्स पुट दिस वैल्यू हेयर। सो इक्वेशन 1 में मैं 9u की वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, 1 माइनस 36v, लिख देना सारे स्टेप्स बेटा, है ना? क्या लिखोगे यहाँ से? पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, नहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u
फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन वन वी गेट दिस है ना, मैं डायरेक्ट अभी पुट अप कर रहा हूँ, 4v = 1. सो 9 माइनस 10 इज 54, रिमाइंडर 5, 9 3 या 27 एंड 5 इज 32, v प्लस 4v = 1. सो इट इज लाइक माइनस प्लस माइनस 320v, माइनस का 320v = 1, माइनस 9 कितना होगा माइनस 8, गिव्स मी v = माइनस 8 बाय माइनस 320, दैट गिव्स मी 1/40. Just put it here. So it is like 1 minus 36 into V ki value 1/40. Kato 9 times and 10 times. So 10 minus 9 and 1/10. Done. V or U aaya abhi to. Usko wapas agar main idhar put up kar dun. V ko to yahan pe aur U ko wahan pe. To wahan se square V square aa jayega. Theek hai na? So V क्या आया 1/40 और V को माना क्या था 1/a² एंड U क्या आया 1/10 और U को माना क्या था 1/b². तो हालांकि आपको A और B की तो वैल्यू चाहिए नहीं ना, आपको तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए. तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू 40, हालांकि आप A और B की भी निकाल सकते हो, अब तो आप A और B की भी निकाल सकते हो एज कोऑर्डिनेट्स है ना, और यहां से b² = 10. डन. Again putting the values of a square and b square in the standard equation. Putting the values of a square equal to क्या था 40. A square क्या है 40 and b square नहीं 40 कैसे आ सकता, हाँ सही b square equal to 10 in the standard equation. ऑफ हॉरिजॉन्टल चल रहा है वर्टिकल चल रहा है, ऑफ वर्टिकल एलिप्स वी गेट. सो एक्स स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा था, बी स्क्वायर आ रहा था 10 और वाई स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा था ए स्क्वायर 40 = 1. मैच करो आंसर. चलो लास्ट क्वेश्चन बचता है अभी, आ जाओ उधर फटाफट से इसी तर्ज पे इसको खत्म करें. इसमें सेंटर, इसमें क्या क्या गिवन है आपको, मेजर एक्सिस क्या है, शीट्स बंद मत करो अभी आपसे सॉल्व करवाऊंगा मैं. मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है ठीक है, सेंटर वेंटर कुछ गिवन नहीं है तो लिखना भी मत, जैसे भी तो फालतू की इन्फॉर्मेशन थी है ना. मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. वहां से क्या पता चला कि वर्टिकल नहीं आएगा, क्या आएगा ओरिजोंटल आएगा, जिसकी एलिप्स की इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस टाइप की होगी कि ए स्क्वायर यहाँ आएगा एंड बी स्क्वायर यहाँ आएगा. इक्वेशन मैं बना के दूंगा, इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे क्योंकि आपने ये काम पहले कभी टेंथ में नहीं किया, तो एटलीस्ट अभी तो आप प्रैक्टिस करो. अब बताओ कहाँ कहाँ से गुजरता है वो एलिप्स, 4, 3, 6, 2 राइट, 4, 3, 6, 2 Putting these values 4, 3 and 6, 2 in the given equation. 4, 3, 6, 2 in the standard equation of a vertical नहीं horizontal ellipse. ये changes आप कर ही दोगे of a horizontal ellipse. We get. चलो put the values. यहाँ 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 और यहाँ, तो 4 और 3 का स्क्वायर करो फटाफट, एक्स स्क्वायर करना है ना, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 6, 2 पुट अप करो, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4. सो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अगेन. सोलह नौ छत्तीस चार करो, देखें पर यहाँ पे ये चेंजेस करो ना, हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन लिखो, हाँ ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर यहाँ. अच्छा सुनो एक चीज, अगर स्क्वायर नहीं होता
तो फिर वन बाय ए को यू और वन बाय बी को बी मानते हैं, ठीक है ना, अंडरस्टूड है। अब स्क्वायर है तो वन बाय ए स्क्वायर को मान, तो वन बाय ए स्क्वायर को यू मानोगे और वन बाय बी स्क्वायर को बी मानोगे, जो पहला मिले उसको यू, जो दूसरा मिले उसको बी। कौन से मेथड से सॉल्व करोगे? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन? आप कौन से मेथड से कर रहे हो? पहली इक्वेशन से क्या निकाल रहे हो या दूसरी इक्वेशन से? दूसरे से निकाल के पहले में डाल दूं दूसरी से निकाल के पहली में डाल रहे हो। दूसरी से किसकी वैल्यू निकाल रहे हो? यू की। ठीक है, निकाल। दूसरी से यू की वैल्यू निकालो। वन माइनस फोर बी बाय 36 लिखा है, देखिए वी किया, वी स्क्वायर की। अच्छा वी किया, हाँ तो वी ही तो होगा वो, वी स्क्वायर। ऐसे किया, फोर माइनस 16p प्लस 9 जा 81v इक्वल टू 9, ऐसे ही किया है। यू की वैल्यू यही निकाली है, वन माइनस 4b बाय 36, इसको यहाँ पुट अप किया 16 से, फिर प्लस 9v, 4 से 9 कट गया, ये 4 इंटू 1 4, 16v 9, 9 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो माइनस 16v प्लस 81v क्या आएगा? 81 में से 16 गए तो 80 में से 15 गए तो 65, माइनस का 65v, नहीं प्लस का 65v, और 9 में से 4 गए तो 5, तो v की वैल्यू आ गई आपकी कैसे आ रही है, 52, 5 बाय 65 यानी कि 1 बाय 30। तो आपने सब्स्टिट्यूशन कुछ अलग किया, ठीक है चलो फिर, तो इसको यहाँ पे पुट अप कर दो हम, 1 माइनस 4 इंटू वी की वैल्यू है 1 बाय 13 होल डिवाइडेड बाय 36, सो इट इज लाइक 1 माइनस 4 बाय 13, 4 बाय 13 यानी कि 13 माइनस 4, एलसीएम ले लूँ 13, 13 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 36, दैट गिव्स मी 13 माइनस 4 इज 9 डिवाइड बाय 13 इंटू 36, 9 4 जा 36, सो 1 बाय 52। फाइन, सो आ गए यू और वी, यू तो आ गया 1 बाय 52 और वी आ गया 1 बाय 13। करते हैं पुटअप, ठीक सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पीछे चलो एक बार फिर से, वी वी की वैल्यू नहीं, पहले यू की निकालेंगे, फिर से करो सारा। ओके सो सबसे पहले यू क्या है आपका, यू बोलो 1 बाय 52, और यू को माना क्या था आपने, 1 बाय ए स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 52। डन। एंड वी, वी को माना क्या था आपने, वी आया क्या आपका 1 बाय 13, और वी माना क्या था आपने, 1 बाय b स्क्वायर माना था, तो वहां से बी स्क्वायर की वैल्यू, चलो
तो पुट अप द वैल्यूज, ए स्क्वायर यानी कि 52 एंड बी स्क्वायर यानी कि 13 इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन. 52 13 इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल है ये, तो ये हॉरिजॉन्टल है. इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स वी गेट एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बाय 52 वाई स्क्वायर बाय 13 इक्वल टू. मैच कर रहा है आंसर. गेम ओवर. एलिप्स का पार्ट खत्म. हाँ किसकी? हाँ कोई डजंट मेक एनी डिफरेंस, 52 एलसीएम ले लो तो दूसरी बन जाएगी. ठीक है तो एलिप्स का पार्ट ओवर. दो दिन में, तीन दिन में कवर कर लिया अपन ने, एक दिन में इंट्रोडक्शन, दो दिन में एक्सरसाइज. तो इतने ही सरल हैं ये. अगर पर्टिकुलरली इनके अलग अलग उठा के देखें तो एज ए चैप्टर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ना तो फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा. और स्पेसिफिकली हाइपरबोला शुरू होने के बाद या हाइपरबोला खत्म हो जाने के बाद तो ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाएगा, क्योंकि हाइपरबोला और इलिप्स में क्लैश है एंड मिसलेनियस में फिर सबके एक्सिक्यूशन आएंगे. चलो तो नेक्स्ट क्लास में अपन हाइपरबोला कवर करेंगे. जब भी क्लास होगी मैं ग्रुप में डाल दूंगा. ओके थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग. लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मिलेंगे है ना, कम से कम मिनिमम 3 दिन तो गैप है ही सही अभी है ना. मुझे सारा काम चाहिए सभी का, मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ है ना, यहाँ तक का सारा काम चाहिए.